हाय एवरीवन, आई एम प्रोफेसर जितेश। ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगा टीवाई बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले टीवाई बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर का जो एग्जाम है, उसमें जो कॉमर्स, जो मार्केटिंग, एमएचआरएफ, तीनों सब्जेक्ट एक ही है, मार्केटिंग, कॉमर्स, एमएचआरएफ। अगर आपको इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो ये वीडियो को प्लीज एंड तक देखो। जैसा कि आपको बैक स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होते हैं। तो इसके पहले हम लोग ने जो एफए और सीए जो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मोस्टली स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर मोस्टली क्वेश्चंस उसमें से आते। तो ये सारे जो क्वेश्चन मैं भी नहीं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, सीधा बोल रहा हूँ कि लास्ट थ्री इयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। फिर से सुनो क्या बोला था मैंने, लास्ट थ्री इयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। मोस्टली आपका 50-70-80% पेपर उसमें से ही कवर होता है, और मोस्टली वैसे ही होता गया। आई एम राइट, थ्योरी क्वेश्चन तो सेम वैसे ही आ रहे थे। हाँ सर, आपने जो बोले थे ना वही आते। तो मैं कोई भगवान नहीं हूँ, आई एम नॉट ए मॉडरेटर ऑफ ए क्वेश्चन पेपर सेट, मैं क्वेश्चन पेपर सेट भी नहीं करता हूँ। लेकिन हम लोग का एक्सपीरियंस बोलता है कि जो मुंबई यूनिवर्सिटी है वो लास्ट थ्री ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को रिवाइज करती है। पूरा की पूरा क्वेश्चन पेपर तो सेम टू सेम नहीं देगी, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल हो सकता है 2018 का नवंबर का, हो सकता है 2018 का अप्रैल में जो एग्जाम होता है फिफ्थ सेमेस्टर का एटी, तो वहां से वो सारे क्वेश्चंस क्या करते हैं आपको देते। तो हार्डली जो आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा है, ये थ्री इयर्स के क्वेश्चन पेपर है और एक फोर इयर्स की, ताकि जो अगर 2017 या 16 की हम बात करें तो वो टाइम पे 75 मार्क्स का पेपर होता था। तो वो भी आप करोगे सॉल्व तो चलेगा, लेकिन सबसे पहले तो आपको करना कौन सा पेपर है जो लास्ट ईयर, मतलब 19-18, बस ये दो साल में आपके चार पेपर हुए रहेंगे या तीन पेपर हुए रहेंगे। अगर आप ये हार्डली करते तो एकदम इजीली कॉमर्स में पास हो जाओगे। सर पॉइंट्स ना याद नहीं होते, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का यही मुझे कमेंट आता है। देखो आप टीवाई में आ गए, आपको एटलीस्ट पॉइंट तो याद करना पड़ेगा। आपके पास में एक दिन पूरा है, वन डे यू हैव। अगर आप 10 से 15 मिनट भी अगर एक क्वेश्चन के सिर्फ पॉइंट और इंट्रोडक्शन याद करोगे ना जो दिए हुए, तो हार्डली कितने क्वेश्चंस होंगे, हर एक चैप्टर के मोस्टली 7 क्वेश्चंस होंगे, 7 क्वेश्चंस। अगर आप 25 क्वेश्चन का फॉर एग्जांपल या 20 क्वेश्चन का अगर 6-6 पॉइंट याद नहीं कर सकते तो कैसा चलेगा। याद करो और ऑन द स्पॉट उसको बुक में लिखो, ताकि वो पॉइंट जंबल्ड नहीं होगा। हो सके तो 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा याद करके जाओ, ताकि अगर कुछ भूल जाओगे तो वो भी चलेगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए क्वेश्चन का, और इसका आंसर भी हम प्रोवाइड करते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप ग्रुप में ऐड होने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन एक छोटी सी कंडीशन होती है ग्रुप में ऐड होने के लिए, आप प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, उसके बाद आप ग्रुप में ऐड हो जाइए। आगे का क्या प्रोसेस है हम आपको उसमें पूरा बताइए। तो उम्मीद करता हूं कि आप उस सारे प्रोसेस को फॉलो करेंगे जो ग्रुप में एंट्री, मतलब अगर आपको ग्रुप में ज्वाइन होना तो वो कंडीशन फॉलो करो। ये सारे पीडीएफ तो आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगी, और बहुत ही जल्द हम सोच रहे हैं आप लोगों के लिए इसका आंसर भी प्रोवाइड करेंगे ग्रुप में। ओके डियर फ्रेंड्स, तो जितना हो सके अपने फ्रेंड के साथ में इस वीडियो को भेजो, ताकि उनको भी पता चले कि एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है। आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि लास्ट इयर्स के पेपर सर लोग बार बार क्यों बोलते हैं। तो फटाक से आप क्या करोगे, ज्वाइंट हो जाओ, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।